नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, हम रोज आपको दैनिक पंचांग और मेष राशि से मीन राशि तक का दैनिक भविष्यफल बताते हैं। यह भविष्यफल अंक शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर बताया जाता है, जिससे सटीक जानकारी आप तक पहुंच पाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको यह जानकारी रोज मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सूर्य देव का वार रविवार है, दिनांक 6/5/2018। आज का मूलांक 6 है और आज का भाग्यांक 4। आज षष्ठी तिथि है, आज कृष्ण पक्ष है, सूर्य आज मेष राशि में है और चंद्रमा धनु राशि में है। आज राहु काल 5:15 से 6:54 तक रहेगा। आज का मूलांक 6 शुक्र के अधिपत्य में आता है और भाग्यांक 4 राहु के अधिपत्य में है और वार सूर्य का है। शुक्र राहु के अंक, सूर्य वार और सभी ग्रहों का गोचर आज आपके साथ क्या करने वाला है, आइए जानें। मेष से लेकर मीन तक का भविष्यफल। मेष राशि। सूर्य आपकी राशि के बिल्कुल ऊपर है और चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में बैठे हैं। आज आपके भाग्य के स्वामी राहु देव बने हैं। आज का दिन मन थोड़ा खराब रहने वाला है। आज एक अजीब सी बेचैनी आपके अंदर बनी रहेगी। भाग्य भाव में चंद्रमा धन संबंधी मामलों में अच्छी खबर दे सकते हैं। भाग्य मजबूत होने के बावजूद भी आज आपको किसी प्रकार के जोखिम भरे काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। परिवार और जीवन साथी के साथ भी कहासुनी होने के योग बन रहे हैं, लेकिन यदि आप समझदारी का परिचय दें तो इस नकारात्मक समय को आप टाल भी सकते हैं। उपाय। आज गुस्से से बिल्कुल दूर रहना है, किसी पर गुस्सा नहीं करना है और मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। वृषभ राशि। सूर्य आपकी जन्म राशि से 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि आपकी जन्म कुंडली का व्यय भाव है, और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के 8ष्टम भाव में बैठे हैं। आज आपके मन को दिशा देने का कार्य स्वयं शुक्र कर रहे हैं, क्योंकि आज का मूलांक 6 है, जो कि शुक्र के अधिपत्य में आता है। शुक्र और राहु साथ साथ और रविवार का दिन आपको घूमने घुमाने की योजना बना रहे हैं। इस समय आप किसी यात्रा पर निकल सकते हैं। यह समय थोड़े खर्चे करवाने के पक्ष में तो दिख रहा है, पर यह जरूरी भी है। किसी बहस में बेमतलब ना पड़े, वरना बुरे परिणाम हो सकते हैं। उपाय। आज सुबह जल्दी उठकर पास के पार्क में जाएं और ताजी हवा और प्रकृति का आनंद लें। गणेश जी को आज के दिन थोड़ी दुर्वा अर्पण करें, सब मंगल होगा। मिथुन राशि। सूर्य आपकी जन्म राशि से 11वें भाव में बैठे हैं और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के 7ष्टम भाव में बैठे हैं। आज का दिन आपको काफी शांति और सुकून देने वाला होगा। शुक्रदेव आज आपको धन लाभ जरूर करवाएंगे। कुछ बिगड़े हुए काम आज सही होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। आज के लिए आप अपना प्रत्येक कार्य समय पर पूरा कर पाएंगे, जिसके चलते परिवार और जीवन साथी को भी भरपूर समय दे पाएंगे। शाम 6 के बाद आप कुछ समय के लिए आत्मचिंतन में खो जाएंगे, जो कि आने वाले हफ्ते के लिए अच्छे संकेत हैं। कुल मिलाकर रविवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय। अपशब्द कहने से बचें और सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य दें। कर्क राशि। सूर्य आपकी जन्म राशि से 10ष्टम भाव में बैठे हैं और चंद्रमा 6ष्ठे भाव में बैठे हैं। आज का दिन आपके लिए मानसिक रूप से मजबूत रहेगा। शुक्रदेव आज आपको मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज बात करने का दिन है उन मुद्दों पर, जिन्हें आप स्वयं लंबे समय से टालते जा रहे हैं। आज आपके शब्दों में आत्मविश्वास झलकेगा, जिससे आपको साफ और सीधे उत्तर भी मिलेंगे और इसका परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन के लिए सटीक निर्णय ले पाएंगे। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहेगा। उपाय।
शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध और रंग बिरंगे पुष्प अर्पण करें और अपने मन की सभी समस्याओं का समाधान भगवान भोले शंकर से मांगें। सब मंगल होगा। सिंह राशि। सूर्य अपनी स्वराशि से आज नवम स्थान पर बैठे हैं, चंद्रमा पंचम स्थान पर बैठे हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत जरूरी है। लंबे समय से आप बस भागते जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। आज रुककर थोड़ा सोचने का दिन है। आज आत्ममंथन करने का दिन है। आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और कब करना चाहते हैं, इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। राहु का भाग्यांक आज आपको नकारात्मक दिशा में ले जा सकता है, इसलिए नकारात्मक दिशा में आपकी सोच जाए उससे पहले ही अच्छी सोच और सही दिशा के बारे में सोचें। आपके त्याग और अच्छाई का फल जल्दी ही आपको मिलेगा। उपाय। आज घर में खुशबूदार इत्र और सुगंधित अगरबत्तियां जलाएं और शाम के समय माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाएं। जल्दी कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। कन्या राशि। सूर्य आपकी जन्म राशि से अष्टम स्थान पर बैठे हैं और चंद्रमा सुख भाव में बैठे हैं। शनि की प्रभावी ढैया में फंसा हुआ एक और दिन, जो कि देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप नित्य चिंतन में डूब जाते हैं। परिवर्तनों की बाढ़ जैसी स्थिति आपके अंदर आ चुकी है। यह समय आपको शिक्षित और आंतरिक रूप से इतना मजबूत करने वाला है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। परिवार के साथ घूमना फिरना और बाहर भोजन करने जा सकते हैं। आज के दिन सभी चिंताओं का त्याग करें और अच्छे समय का आनंद लें। उपाय। आज स्नान करने के जल में थोड़ा गंगा जल और गुलाब इत्र जरूर डालें, बहुत शुभ रहेगा। तुला राशि। सूर्य आपकी जन्म राशि से सप्तम स्थान पर बैठे हैं और चंद्रमा तीसरे स्थान पर बैठे हैं। आज का दिन आपके लिए मजबूती देने वाला रहेगा। आज का मूलांक खुद शुक्र देव का अंक है। आज आप जीवन जीने के तरीके में थोड़ा बदलाव करने के मूड में हैं। आज सबसे पहले आप बिखरे घर को समेटेंगे और उसके पश्चात घर की जरूरतों की चीजों को लाएंगे। पुराने अधूरे कार्य आज तेजी से पूरे होंगे, जिसके चलते आपको काफी संतोष और शांति प्राप्त होगी। परिवार के लोग भी आज आपसे काफी प्रसन्न दिखेंगे, और प्रसन्न हो भी क्यों ना, क्योंकि आज आप उनकी सभी इच्छाएं जो पूर्ण करने वाले हो। आज किसी सामाजिक समारोह में जाने के योग भी बनते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर समय आपके पक्ष में दिख रहा है। उपाय। आज घर के मंदिर में गुलाब का इत्र छिड़के और सुबह का भोजन कुछ मीठा खाकर शुरू करें। सब मंगल होगा। वृश्चिक राशि। सूर्य आपकी जन्म राशि से छठे भाव में बैठे हैं और चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हैं। आज का दिन थोड़ा भारी प्रतीत हो रहा है। आज आप आंतरिक रूप से कमजोर भी लग रहे हैं। आज का दिन समय के साथ चलने का है। इस समय परिस्थितियों का विरोध करेंगे तो समस्याएं आपको बुरी तरह से घेर सकती हैं। आज आप अपने प्रिय मित्रों से मिल सकते हैं और उनसे अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बातों बातों में समस्याओं का समाधान निकल जाता है। आज के दिन काला, नीला और भूरा रंग ना पहने तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय। अपने भोजन की पहली रोटी गौ माता को भोग लगाएं और बाहर के भोजन से बिल्कुल परहेज करें। धनु राशि। सूर्य आपकी जन्म राशि से पंचम भाव में बैठे हैं और चंद्रमा स्वयं आपकी राशि के ऊपर बैठे हैं। आज के दिन आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। शुक्र और राहु आज आपको आराम से बैठने नहीं देंगे। शाम 5 बजे तक आपके सभी काम तेजी से निपटेंगे और उसके बाद आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। शाम का समय आपके लिए काफी शांति और आराम देने वाला होगा। इस समय आप अपने परिवारजनों के साथ एक अच्छा आनंद देने वाला समय बिताएंगे। उपाय। आज गणेश जी से सभी कार्य शांतिपूर्वक निपटाने के लिए प्रार्थना करें और भोग में कोई भी मीठा फल चढ़ाएं। सब मंगल होगा। मकर राशि। सूर्य आपकी जन्म राशि से चतुर्थ स्थान पर बैठे हैं और चंद्रमा 12वें स्थान पर बैठे हैं। 8:20 पर चंद्रमा धनु राशि से मकर में गोचर करेंगे और शुक्र भी आज आपकी राशि में आने वाले हैं। कुल मिलाकर यह योग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको फायदा पहुंचाने वाला है।
यह समय आपके लिए काफी यादगार और अच्छा साबित होने वाला है। यह समय जीवन में बड़े फैसले लेने का होगा, इसलिए जो भी करें थोड़ा सोच समझ कर और सावधानी के साथ करें। आज के दिन चंद्रमा और शुक्र प्रिय सफेद रंग पहने आपके लिए शुभ साबित होगा। उपाय, आज सुबह सबसे पहले उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करें और उसके पश्चात सभी कार्य प्रारंभ करें, सब मंगल होगा। कुंभ राशि, सूर्य आपकी जन्म राशि से तीसरे स्थान पर बैठे हैं और चंद्रमा एकादश स्थान पर बैठे हैं। आज का दिन एक और कदम मजबूती की तरफ बढ़ाने वाला होगा। शुक्रदेव आज आपको धन धान्य मान सम्मान देने के लिए ललायित हैं। आज के दिन आप परिवार के साथ खूब मजे करने वाले हैं। आज ही के दिन आप कहीं घूमने फिरने की योजना भी बना सकते हैं। 3 बजे के बाद कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। उपाय, आज के दिन पीपल के पेड़ पर जल और कच्चा दूध चढ़ाएं, सब मंगल होगा। मीन राशि, सूर्य आपकी जन्म राशि से दूसरे स्थान पर बैठे हैं और चंद्रमा दशम स्थान पर बैठे हैं। आज का दिन परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा है। देखा जाए तो आज आप एक साथ 2 कार्य संपन्न करने वाले हैं। घूमने फिरने के साथ साथ आज आप अपने रुके हुए जरूरी कार्य भी निपटाएंगे। यह समय आपके लिए तेजी लिए हुए है, इसलिए इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। किसी मित्र की सहायता से इस समय लाभ प्राप्ति के सुंदर अवसर आपके सामने आएंगे। उपाय, हल्दी में केसर और गेंदे की पत्तियां मिलाकर मसल लें, सुबह उठकर इसका तिलक करें, सब मंगल होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे भाग्य मंथन में। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।